हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइड डॉट कॉम। और आज हम वीडियो नंबर 5 लेके आए हैं और हमने 4 वीडियोज ऑलरेडी कवर कर ली हैं। उसमें हमने ब्रीड्स को और मिल्क वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। एंड दिस इज द 5th वीडियो जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो आप फर्स्ट 4 वीडियोज जो है वो देख सकते हैं। एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टमक्स। ठीक है, तो स्टमक के बेसिस के ऊपर कि उनमें दे आर क्लासिफाइड इंटू रूमिनेंट्स, दे आर क्लासिफाइड इंटू नॉन रूमिनेंट्स एंड सुडो रूमिनेंट्स। ठीक है, सो वट आर दे, इसके बारे में बात करते हैं। सो रूमिनेंट्स में आते हैं काओ आती है, बफलो आती है, शीप आती है, गोट आती है। इनमें र्यूमन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब र्यूमन क्या होता है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस एनिमल। लुक एट द पिक्चर हेयर एंड दिस इज द ईसोफेगस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है द र्यूमन। र्यूमन इज द लार्जेस्ट पार्ट, जो पोर्श वेरी लार्ज होता है। ये स्टमक का पार्ट है, स्टमक के 4 पार्ट्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज र्यूमन, देन इज द रेटिक्यूलम। र्यूमन से घूम फिर के खाना जो है वो देखिए, यहाँ से जा रहा है खाना, एंड देन सॉरी देन कम्स हेयर एंड देन हेयर एंड दिस इज र्यूमन। ठीक है, सॉरी रेटिक्यूलम। सो यहाँ पे रेटिक्यूलम में आ गया। रेटिक्यूलम के बाद इट गोज टू ओमेसम। ठीक है, यू कैन सी हेयर, दिस इज ओमेसम एंड देन गोज टू द एवोमेसम। ठीक है, फाइनली टू द इंटेस्टाइन। एंड दिस इज हाउ द फूड जो होता है वो घूमता है इन द स्टमक। सो नाउ दिस इज द र्यूमन। र्यूमन में जो पीएच है वो आपको याद करना है, दैट इज 5.8 to 6.8। सो नेक्स्ट इज द हनीक्यूम लाइक स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, द स्टमक का जो हनीक्यूम लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज रेटिक्यूलम एंड इट इज द स्मॉलेस्ट वन। ओके, ओमेसम इज अ बुक शेप्ड। ठीक है, दैट इज वेयर द मेन वाटर यूटिलाइजेशन अकर्स। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर अबाउट इट। ओके, एंड एबोमेसम इज द ट्रू स्टमक एंड इट इज अ ग्लैंडुलर पोर्शन ऑफ द स्टमक एंड इट इज द ट्रू स्टमक। ओके, सो दीज पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द स्टमक ऑफ द रूमिनेंट्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नॉन रूमिनेंट्स। नाउ इन नॉन रूमिनेंट्स में ओनली एबोमेसम इज प्रेजेंट। ठीक है, ओनली वन दैट इज एबोमेसम और द ट्रू स्टमक दैट इज प्रेजेंट इन द नॉन रूमिनेंट्स। ओके, सो इसकी एग्जाम्पल्स है पिग है, डॉग है, कैट है, हॉर्स है, रेबिट है। ठीक है, देन इज सूडो रूमिनेंट्स। दे डू रूमिनेशन बट द स्टमक इज डिवाइडेड इन टू 3 पार्ट्स एक्सेप्ट द र्यूमन। ठीक है, र्यूमन की जगह पे 3 पार्ट्स जो बाकी वो उसमें जो होता है स्टमक प्रेजेंट होता है एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सूडो रूमिनेंट्स एंड द कैमल इज द एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बात करेंगे दैट क्या होता है जब रूमिनेंट्स की जो खत्म कर देते हैं। रूमिनेंट्स जो अब आपने देखा होगा, जो गाय भैंस होती है वो सारा दिन कुछ मुंह में चुबाती रहती है। ठीक है, बार बार। ठीक है, वो खाना क्या होता है, व्हेन द रूमिनेंट्स हैव फिनिश्ड ईटिंग द फूड देन इट इज अगेन ब्रॉट बैक टू द माउथ एंड रीच्यूड एंड दिस इज कॉल्ड एज च्यूइंग द कर्ड ऑफ द रूमिनेशन। ठीक है, सो दिस इज द thing that you need to remember about this. So now we will talk about the important terms जो कि animal husbandry से जो है वो paper में आती है। ठीक है, exam में आती है। So first of all that is conception. Conception क्या होता है? So basically हम simple भाषा में बात करेंगे। Then when there is successfully जो female होती है उसकी body में the new baby और calf जो होता है वो पैदा होने लग जाता है। यू कैन से द सक्सेसफुल यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इट इज द मेजर ऑफ काउज फर्टिलिटी एट सर्विस। ठीक है, नाउ व्हाट इज सर्विस? सर्विस इज द प्रोसेस इन विच द मेल मेच्योर मेल कवर्स द फीमेल। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, द सिंपल मेटिंग प्रोसेस। ठीक है, जब मेल जो है वो फीमेल को कवर करता है, कवर्स यू नो द टर्म्स दे यूज अ कवर। ओके, सो जब मेल जो है दैट गिव्स द सर्विस टू द फीमेल सो दैट शी कैन कैरी द काफ इन हर वूम। ठीक है, सो दैट इज द सर्विस। ठीक है,
Then is estrus cycle. The estrus cycle is the time period between the two heat periods. ठीक है, so estrus cycle में what is estrus cycle? The same thing is there. You just need to remember that it is a time period between the two heat periods. That is the estrus cycle. ठीक है, so heat period में अब heat period क्या होता है? Heat period is a period जब जो cow होती है that show some kind of symptoms that she is ready to get the service. ठीक है, सो दी थिंग यू नी रिमेंबर द ईस्टर साइकिल जो होता है उसका जो लेंथ है वो भी हम पढ़ेंगे. हम टेबल बनाया हुआ है ईस्टर साइकिल कितना लंबा होता है. ठीक है, वो भी हम सारा कवर करेंगे, डोंट वरी. देन वी विल टॉक अबाउट द जेस्टेशन. वॉट इज जेस्टेशन? जेस्टेशन पीरियड इज द पीरियड जब जो कितना टाइम जो बच्चा उसके वूम में डिवेल्प होता है, दैट इज द काफ कितना टाइम उसके वूम में लेता है डिवेल्प होने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन्स इट्स 9 months, सेम इन द काउज एंड बफलोज देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम. वी विल ऑल्सो स्टडी द टेबल इन द कमिंग स्लाइड्स ऑल्सो. ठीक है, तो वो कितना टाइम रहता है फॉर उसको प्रोसेस, द प्रोसेस और पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन साइड द वूम बिटवीन द कंसेप्शन एंड द बर्थ. ठीक है, कंसेप्शन इज द सक्सेसफुल यूनियन एंड द बर्थ इज जब उसका बेबी जो है वो बॉर्न हो जाता है. पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वन, दैट इज पार्चुरेशन. लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड का मतलब ड्यूरेशन और वो टाइम ऑफ फीमेल जब वो मिल्क देती आफ्टर बर्थ. यू नो हमने ये मिल्क वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, जैसे ही काऊ की जो प्रेगनेंसी खत्म होती है, आई मीन द पार्चुरेशन हो जाती है, बेबी हो जाता है, देन थोड़े दिन 2-3 दिन के लिए कोलेस्ट्रम आता है, कोलेस्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा था, एंड देन कम्स मिल्क. ठीक है, तो मिल्क हम उसको कब बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमने करी हुई हैं इन मिल्क वीडियो नंबर 1. अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन गो जस्ट चेक इट आउट. ओके, देन इज कास्ट्रेशन. कास्ट्रेशन क्या होता है? कास्ट्रेशन में हम जो मेल होते हैं उसके टेस्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो ये होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मेल्स को ज़्यादातर जो है वो हम ड्रॉट पर्पज़ के लिए बाहर ढोने के लिए यूज़ करते हैं, एंड हम उसको रिप्रोडक्टिव उसकी जो कैपेबिलिटीज है उसको नहीं हार्नेस करना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है वो अच्छा नहीं है, हो सकता है वो हमारी काऊ का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको कम करता है, उसके जेनेटिक अच्छे नहीं है, तो हम कास्ट्रेशन करते हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनस डिज़ायर, कि हम ह्यूमन की डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करते हैं वो उसकी कास्ट्रेशन करते हैं. ओके, so next is the dry period. What is the dry period? Now you need to remember that it is a time interval between the date of drying of the cow to the date of next calving. yahan pe maine missing hai, sorry. okay, so yahan pe next calving likhna tha, just add by yourself. okay, so yahan pe calving aana hai, sorry, likh lena. to matlab kya hota hai that jab bacche ko gaay sorry jab bachcha ho jata hai uske baad gaay doodh dene lag jati hai and the time period is there when she stops giving the milk. theek hai, aur jab tak next baby nahi hota, so that is the dry period. okay, so next we will talk about what is there is some issue in agar gaay ko koi lack of appetite or bhookh nahi lagti hai, so that is called as anorexia. देन इफ देर इज बच्चा देने के बाद, बच्चे के बर्थ होने के बाद अगर वो दूध अच्छे से जो है उसका दूध जो है वो नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड एज एग्लेक्टिया. ठीक है, ड्राई काऊ क्या होती है? उस काऊ को बोलते हैं जो दूध नहीं दे रही, दैट इज अ ड्राई काऊ. नाउ फीड के बारे में बात करते हैं एंड ठीक है, उससे पहले फीड से पहले हम वीनिंग करते हैं. वीनिंग का मतलब होता है द सेपरेशन ऑफ द काफ फ्रॉम द काउ एंड फीडिंग देम आर्टिफिशियली, दैट इज वीनिंग. वीनिंग इज बच्चे को काउ से अलग कर देना और उसको अलग से डाइट देनी, उसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट इज हम विल टॉक अबाउट द एनर्जी फीड्स. एनर्जी फीड्स किन को बोला जाता है? वो फीड्स जिनमें प्रोटीन कंटेंट दैट इज लेस देन 20% क्रूड प्रोटीन. ठीक है, दैट इज लेस देन 20% क्रूड प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी फीड. देन इज कंसनट्रेटेड फीड. कंसनट्रेटेड फीड जो होती हैं दैट हैज़ लेस देन 18% क्रूड फाइबर. फॉर एग्जाम्पल उसमें ग्रेन्स आते हैं, ऑयल केक्स आ जाते हैं और ग्रेन के बाय प्रोडक्ट्स आ जाते हैं. देन इज प्रोटीन सप्लीमेंट, जिनमें 20% से ज़्यादा जो प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन सप्लीमेंट्स. ठीक है, सो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, इसके बाद हम टेबल्स याद करेंगे. ओके, सो लेट्स जस्ट मूव.
सो यहाँ पे एक टेबल है, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। द ट्राई पीरियड के बारे में जैसे मैंने बात करी थी, सो अबाउट 60 डेज जो है वो काओ को उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसको ड्राई पीरियड में रहना चाहिए, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना। सो एग्जाम में अगर आता है 45, ठीक है, तो ऑप्शन 45 हो सकता है, 260, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली चेक कर लेना इस चीज को, 45 या फिर 60 डेज तक जो है वो ड्राई पीरियड जो होना चाहिए उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है, गाय की। और फिर वो आगे जो दूध देगी नेक्स्ट काफ के बाद वो अच्छा, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का हो, क्वांटिटी अच्छी रहेगी, ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। चलिए तो अब हम शुरू करेंगे इस टेबल के बारे में। सो इस टेबल में, ये टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें मैंने हाईलाइट करी है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और OFO में आ चुकी चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले जो कैटल होती है ना, उसके जो स्पीसीज, उसको बोवाइन बोलते हैं, ठीक है। कैटल और बफलो, कैटल यहाँ पे मतलब काऊ समझ लेना यार, ओके। सो यहाँ पे ये देख लो, काऊ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं शीप, शीप इज ओवाइन एंड कैप्राइन इज गोट एंड स्वाइन इज, और सस भी बोलते हैं, दैट इज पिग एंड इक्वाइन इज हॉर्स। ये वैसे तो पता होगा, अगर नहीं पता तो याद कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं हर्ड। अब हर्ड वाला तो सबको पता होता है भाई, काऊ वाला, ठीक है, हर्ड हर्ड हमें आता है, ठीक है। तो हम आगे मूव करेंगे। सो नेक्स्ट इज फ्लॉक, फ्लॉक इज फॉर शीप, शीप के लिए फ्लॉक, और बैंड गॉट के लिए। देन इज ड्रूव, ड्रोव दैट इज फॉर द पिग, स्टॉक इज फॉर द पिग, ठीक है। सो ये चीजें याद रखना, ये अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है एग्जाम में, तो इस चीज को याद रखना। देन इज पैक, पैक अब पूछ लिया, पैक यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर दैट दिस इज हॉर्स, ठीक है। घोड़े का ग्रुप होता है, उसको पैक बोलते हैं। वैसे ये छोटी छोटी चीजें हमें बचपन में भी कराते हैं, लेकिन हमें ये चीजें याद नहीं रहती, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ना एडल्ट मेल, एडल्ट मेल जो होता है कैटल का, दैट इज अ बुल, देन इज बफलो बुल, ठीक है। देन इज रैम, व्हाट इज रैम नाउ, रैम एंड ईव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडल्ट मेल है ऑफ शीप दैट इज रैम एंड द और द टप, ठीक है, एंड द एडल्ट फीमेल इज ईव। सो इस चीज को याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। सो नेक्स्ट इज गोट, गोट का जो है दैट इज बक एंड द एडल्ट फीमेल इज डो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन इज बोर एंड सो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। देन इज स्टेलियन एंड मेयर, दीज आर और द हस्बैंड वाइफ, ठीक है, स्टेलियन एंड मेयर, बोर एंड सो, ठीक है, बक एंड डो एंड रैम एंड डीव, ठीक है। सो इस चीज को अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, तभी मैंने हाईलाइट जो करा है उसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देन इज वी विल टॉक अबाउट द यंग मेल, यंग फीमेल। सो नाउ बुल काफ जो होता है उसकी जब 1 अंडर एज ऑफ 1 ईयर, उसको हम यंग मानते, दैट इज कॉल्ड इज बुल काफ। देन इज बफलो बुल काफ, नाउ द रैम लैम, ठीक है, टप लैम। देन इसका बकलिंग होता है, मेल किड, ठीक है। देन दिस इज इसका जो मेल, यंग मेल होता है दैट इज बोरलिंग। देन इसका जो होता है दैट इज कोल्ट, ठीक है। सो बोरलिंग एंड कोल्ट, कोल्ट को अच्छे से याद कर लेना बिकॉज यही चीजें हमें भूल जाती है, बाकी फिर भी हमें याद रहता है। यंग फीमेल होती है ऑफ काओ इज हीफर काफ, हीफर का मतलब यही हो, यंग जो फीमेल होती है उसके लिए हीफर वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। देन इज हीफर काफ ऑफ बफलो, देन ईव लैम, ओके। देन इज गोटलिंग, ठीक है, इसकी जो फीमेल है दैट इज, एंड मेल इज बकलिंग दैट इज अ गोटलिंग, ठीक है, बोरलिंग, ठीक है, एंड दिस इज अ गिल्ट, ओके। सो दिस इज अ गिल्ट एंड दिस इज अ फिली, ओके। सो फिली एंड कोल्ट, ये चीजें याद रख लेना। अब न्यू बोर्न को काफ बोलते हैं, ये हमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, इसको लैम बोलते हैं, अब इसको किड बोलते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे ना जब पार्चुरेशन को किडिंग बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। देन इज अ पिगलेट एंड फोल, ठीक है। सो ये चीजें आपको याद रखनी है, ओके। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कास्ट्रेटेड मेल, कास्ट्रेटेड मेल मैंने आपको बताया था, जिसके टेस्टिकल्स रिमूव करते हैं, जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो अगर काओ के बुल के कर दिए, ठीक है, अगर काओ के हस्बैंड के बुल होता है ना, उसके अगर हमने उसको कास्ट्रेट कर दिया, देन इट इज कॉल्ड एज बुलॉक, ठीक है। बुलॉक इज यूज फॉर, यू नो, बुलक इज यूज फॉर द ड्रॉट पर्पज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पर्पज के लिए तो काम आएगा नहीं, ठीक है ना। देन इज अ बफलो बुलक। नाउ व्हाट इज विदर, विदर जो होता है वो शीप कास्ट्रेटेड होती है, देन गोट कास्ट्रेटेड होती है, उसको भी विदर बोलती है। होग जो होता है एंड द बोरो, बैरो, ठीक है, ऐसे दैट इज अ कास्ट्रेटेड मेल ऑफ पिग, ठीक
देन इज अ गेल्ड, गेल्ड गेल्ड इज अ कास्ट्रेटेड हॉर्स का जो, ठीक है, मेल होता है. देन इज स्पेड जो होता है, स्टरलाइज जो जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द फीमेल विद इट्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है. अगर काफ एफ एट फुट का मतलब है कि उसके ऑफस्प्रिंग, फीमेल विद इट्स ऑफस्प्रिंग की बात हो रही है. काफ एंड द काउ एंड दे बोथ आर टुगेदर, ठीक है. सो काफ एट फुट, सकलिंग सकलिंग एंड फोल एट फुट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ द पार्चुरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें ना सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द काविंग. सो काविंग होती है, ये इजी है, बंदा टिक करता है कि काउ एंड बफलो वाले काविंग होगा. लेकिन लैम्बिंग भी बंदे को पता होता है यार, ये शीप में होता है. किडिंग मैंने आपको बता ही दिया, किडिंग किसको बोलते हैं, गोट के बच्चे को. देन इज फैरोइंग. फैरोइंग एंड फॉलिंग जो है वो याद रखने वाली चीजें हैं. तो फैरो किस में होते हैं, दैट इज इन सूर, पिग, एंड फॉलिंग इज इन हॉर्स, ठीक है. इस चीज को याद रखना. नाउ द एक्ट ऑफ मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सर्विंग, सर्विंग इज इन काउ एंड बफलो. टपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट केम इन AFO. द टपिंग इज इन शीप, ठीक है. तो शीप में टपिंग होती है. एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या बोलते हैं, टपिंग बोलते हैं. सर्विंग अगेन, गोट में सर्विंग होती है. देन कपलिंग एंड कवरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कपलिंग इज इन पिग, दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर, एंड कवरिंग इज इन हॉर्स. सो दीज टू आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क इट गाइस. देन मीट की बात करते हैं, बीफ आपको पता ही है, ठीक है, बीफ. ओके, सो काफ को, काफ के मीट को वील बोलते हैं. देन अगर इसको बफिन बोलते हैं एंड कैरा बीफ बोलते हैं. देन इज मटन, आपको पता है शीप का होता है. शिवॉन जो होता है दैट इज ऑफ गोट. एंड पोर्क आपको पता है सूर का होता है. शिवलीन इज ऑफ घोड़े का होता है. तो ये चीज आपको याद रखनी है. ओके, लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट. नाउ जो चीजें मैंने करवाई है ना यार, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ऐसे मत छोड़ देना कि सुन लिया छोड़ दिया. एक बार रिवाइज कर लेना, दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो को. अगर कुछ भी नहीं याद होता है उसको याद करने की कोशिश करो, बिकॉज ये आना ही आना है. इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं एफओ में. जो जो मैंने हाईलाइट किया वो पक्का ही एक एक बार पूछा चुका जा चुका है. सो इसको अच्छे से याद कर लेना. ओके, सो अब हम बात करेंगे अबाउट दिस टेबल. और जो कि मैंने आपको पहले बताया था दैट आई विल टॉक अबाउट द एवरीथिंग. द जेस्टेशन पीरियड इज देयर, ठीक है. देन इज द एस्ट्रस साइकिल कितना लंबा होता है. हीट पीरियड क्या होता है, कितना लंबा होता है, कितना टाइम का होता है. एज एट प्यूबर्टी, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द काउ एंड बफलो. जो इनकी एज है ना, अच्छे से याद कर लो, 24 to 30 months. एंड जो बफलो है दैट इज 28 to 30 months. शीप की 9 to 14 months, गोट की 8 to 10 months, कैमल की देख लो, कैमल की ज्यादा है, ठीक है. सो ये आप अप्रोक्सीमेटली लगा के चलो कि 2 साल, ठीक है, सॉरी 2 साल. एंड इसकी आप लगा के चलो अप्रोक्सीमेटली दैट इज अ 3 years. ओके, सो ये चीजें आपको जो है वो याद रखनी है. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द जेस्टेशन पीरियड. इसका जेस्टेशन पीरियड 285 days का चला जाता है. तो इसका 310 days का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 year के करीब समझ के चलो, ठीक है. देन इज अबाउट द शीप का कितना है, दैट इज 150 दिन, ठीक है, 150 दिन का होता है. कैमल का देख लो ज्यादा है, ठीक है. सो कैमल का याद रखना 391, 1 year प्लस थोड़ा सा. एंड देन इज स्वाइन इज 114. ओके, सो अबाउट द ईस्ट्रस साइकिल, द ईस्ट्रस साइकिल इसका 21 दिन का होता है, ठीक है. और स्वाइन का भी 21 दिन का होता है. और ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, गोट का 20 दिन का होता है, ठीक है. और सबसे कम कैमल का होता है ईस्ट्रस साइकिल. सो हीट पीरियड कितना टाइम रहता है, ठीक है. हीट इज पीरियड ऑफ काओ इज 18 आवर्स, 18 घंटे तक वो हीट में रहती है. देन इज वो 24 आवर्स बफलो का. शीप जो है दैट इज 1 to 3 days. एंड सबसे ज्यादा 5 days तक किसका जाता है, कैमल का. स्वाइन का भी 1 to 5 days. एंड देन गोट का 2 to 3 days, ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट है टेबल. अगर नहीं याद हुआ एक बार में, दूसरी बार देख लेना और आपको अच्छे से याद हो जाएगा. सो लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट.
सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ईस्टरस साइकिल. सो ईस्टरस साइकिल में देखिएगा, सबसे पहले तो चार चीजें आती है, प्रोईस्ट्रम जो कि 2 डेज का होता है, देन इज ईस्ट्रम दैट इज ऑफ 1 डे, देन इज मेटास्ट्रम ऑफ 4 डेज, देन डाईस्ट्रम इज 14 डेज. ओके, सो इसमें ग्राफियन फॉलिकल बिल्डअप हो जाता है और इसमें ईस्ट्रोजन जो है दैट जो है रिलीज होता है, एंड देयर इज नरिशमेंट करता है ये ओवम के फ्लूइड की. ठीक है, एग को रिलीज करने के लिए जो उसकी नरिशमेंट, ओवम इज एग. ओके, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, ईस्ट्रम आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट फेज है जहाँ पे फीमेल रेडी होती है टू कंसीव द मेल, एंड काउ कम्स इन हीट इन दिस. ओके, एंड देन उसके बाद मेटास्ट्रम इज आफ्टर ईस्ट्रम, जब ये यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल कंसीव कर लेती है तो उसको इम्प्लांट करने के लिए उसको क्या करते हैं, एंड मतलब कि उसको प्रिपेयर करता है, एंड कॉर्पस ल्यूटम इसमें जो है वो रिलीज हो जाता है. ठीक है, देन इज डाईस्ट्रम इज द लॉन्गेस्ट फेज, और इसमें देर इज अ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस टेक्स प्लेस, और अगर एनिमल नहीं कंसीव करता है देन इन्वोलेशन ऑफ द यूट्रस टेक्स प्लेस. ठीक है, सो यूट्रस जो होता है वो दोबारा अपनी पोजिशन में आ जाता है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैंने बहुत चीज़ें तो कवर कर ही ली हैं, बाकी अगर कुछ भी छूटता होगा तो हम फ्यूचर में और वीडियोस लेके आएंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय फॉर नाउ.